Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, ma'am. Okay, very good afternoon, all of you. It's nice meeting you all today. For today's session, I request you all, before we begin, I want to request you to get a cookie for yourself. आपकी जो फेवरेट बिस्किट या कुकी है ना, एक स्मॉल प्लेट में लाकर अपने पास टेबल पे रखिए. All of you, quickly go and get one. I'll count till 10. Quickly go and get your favorite cookie or your favorite biscuit in a small plate and keep it next to you. Yes, Aradhya? Ma'am, मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो. आपका फेवरेट कुकी या अपना फेवरेट बिस्किट आप अपने घर से किचन में से लाके एक स्मॉल प्लेट में अपने पास ले आइए. ओके या सो आपका फेवरेट कुकी हो फेवरेट बिस्किट हो एक स्मॉल प्लेट में ले आइए एंड कीप इट नेक्स्ट टू यू. यस नावेद. Ma'am, my favorite biscuit is marigold. Okay. So just keep a biscuit with yourself in a plate, one biscuit only. Yes, Pratika? Ma'am, हमारे favorite biscuits हैं Choco Ripple cookies. ये वाले हमने plate पे भी निकाल लिए. Okay. एंड मैम हमें आपको एक और चीज भी दिखानी है. हाँ जी. ये हमारे डैड हमारे लिए लाए थे पॉपेट. ओके सो इट्स अ गेम. यस मैम इट्स अ टॉय. ओके एंड व्हाट डू वी डू इन इट. मैम इससे आवाज भी आती है. ओके व्हेन यू पॉप इट देन. यस मैम. फिर ये ऑपोजिट साइड पे बाहर आ गए होंगे. यस मैम. एंड देन यू प्रेस इट राइट. ओके नाइस गेम. थैंक यू मैम. ओके सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज आपके पास दो चॉइसेस हैं. ठीक है या तो वो बिस्किट एक बिस्किट है सिर्फ हमने क्योंकि एक ही लाना था प्लेट में या तो आप वो अभी खा लीजिए. ठीक है या फिर आप वेट कीजिए क्लास के एंड तक तो आपको टू बिस्किट्स खाने को मिलेंगे. सो द चॉइस इज योर्स. यू वांट टू ईट वन नाउ और यू वांट टू ईट टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. ओके सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट. ओके नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन. और बिस्किट अपने पास ही रहने दीजिए राइट. एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्टिविटी. वी विल कम टू इट लेटर. सो लेट द बिस्किट बी देयर. Okay, so what we have to do now is, आज इमेजिन आज एक डिफरेंट मैजिकल डे है. आज जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपको पता चलता है इट्स नो रूल्स नो रूटीन्स डे. आज कोई रूल्स फॉलो नहीं करने कोई रूटीन फॉलो नहीं करना. यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू. तो जैसे आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए ऐसे ही आपके घर पे आपके फ्रेंड्स आपके टीचर्स सब फ्री हैं. राइट सो एवरीवन इज फ्री टू डू एवरीथिंग. तो इमेजिन आपका डे कैसा होगा आज एंड शेयर. हु वुड लाइक टू शेयर हाउ योर डे वुड बी. ओके लेट्स बिगिन. प्रीतिका वांट्स टू शेयर एंड केशव. राइट प्रीतिका. मैम हम खेलते और फोन में आर्ट एंड क्राफ्ट देखते और आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते. ओके एंड इंग्लिश पढ़ते यूट्यूब से. ओके केशव अभी आई विल जस्ट लिसन टू यू. यस केशव. मैम अगर ऐसा हो तो आई विल स्टडी
and I will play and I will see my tab. Okay. On phone. And do different things on phone. Okay. Okay. Adhe, just give me a minute. Adhe, Abhi has a doubt. Let me listen to him, then I'll give you the chance. Where is Abhi? I don't see. Yeah, Abhi, please unmute. Ma'am, hame na ek magic aata hai. Ah, magic we'll see in the end. Okay, right now we are studying. Small magic. No, please. It's a class going on after that. Okay, ma'am. So in the end, definitely. Yeah. When the class gets over, I'll see the magic. Okay, let's finish the topic. Yes. Thank you. Or I'm practice. Okay. Yeah, Adhya. Ma'am, I am watching a TV and I am read a comics. Okay, right. So you are okay as a few. Okay, Vidanshi also wants to say, then I'll speak. Yes, Vidanshi. Ma'am, I will watch TV, play some games. Okay. And? Read also. And you will read also, okay. Some storybooks. We'll read some storybooks, okay. And ma'am, meditation also. Okay. But ek baat batao, jab koi routine aur rules ki baat hi nahi ho rahi, to hum sab aise ek ek karke bata rahe hain, hum ye kar lenge. Dekho, khud hi hum apna routine phir bhi bana rahe hain. Haan? Notice kiya aapne? कि जब रूटीन बोला कि आज नो रूल्स नो रूटीन डे है तो हम सब क्या प्लान कर रहे हैं हम ये भी करेंगे तो ये तो आप रूटीन खुद ही बना रहे हो अपने लिए फिर से तो फिर ये नो रूटीन डे कैसे होएगा सोचो ज़ैनब मैम हमें ये कहना था कि मैम आज हमारा नेटवर्क इशू था सुबह से तो आज हम ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्लास तो आप क्या करवा रहे हो वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन व्हाट इफ देयर इज नो रूल्स एंड नो रूटीन डे तो आप क्या करोगे आई जस्ट आस्क्ड अ क्वेश्चन मैम हम तो स्टडी करते हैं मैम कब मोबाइल देख लेते हैं या फिर सिस्टर हमारे कजिन्स आते हैं तो फिर हम उनके साथ खेल लेते हैं नहीं और अगर नहीं आते तो हम पढ़ाई करते हैं अगर रूटीन नहीं होता मैम तो देखो हम फिर से रूटीन ही कर रहे हैं लेकिन कि हम पढ़ाई भी कर लेंगे हम ये भी कर लेंगे हम वो भी कर लेंगे तो हम रूटीन में फिर से आ गए अब ये सोचो कि चलो अब कजन्स आए ठीक है प्ले करने तो कोई रूल्स कोई रूटीन दे नहीं है तो उसमें तो लड़ाई भी हो सकती है क्योंकि गेम में भी कोई रूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे है ना और पूरा दिन पढ़ाई तो सिर्फ करते नहीं रहोगे भूख भी लगेगी अब भूख लग रही है तो मम्मा का भी तो नो रूटीन नो रूल्स डे है फिर खाना कहाँ से खाओगे सोचो और अगर फ्रेंड्स के साथ खेलने जा रहे हो नो रूल्स नो रूटीन्स डे है फिर से अब वो तो बैडली बिहेव भी कर सकते हैं क्योंकि कोई रूल्स थोड़ा ना है हमारे लाइफ में तो डू यू थिंक कि अगर हमारी लाइफ में रूल्स रूटीन्स नहीं होते क्या हमारी सोसाइटी फंक्शन कर सकती है गिव मी अ यस विद थम्स अप एंड अ नो विद थम्स डाउन प्रतिका रुष्टा ज़ैनब अर्चित आद्या समृद्धि आरवी राइट आरिका ओके कनिष्का गिव्स अ थम्स अप ओके कनिष्का वुड यू लाइक टू ऐड ऑन हाउ अनम्यूट बेटा
Kanishka, I have sent you the prompt, beta. Just unmute. I think there's some issue coming on your side. Okay. Yeah, network issues there. Okay. So definitely no. है ना, पर हमें कितना बुरा लगता है ना जब हमें ये रूटीन्स और ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर सोचो अगर ये होते ही ना तो सब कुछ ना कुछ करते ही रहते। अगर आज टीचर्स कहें नो नो हमें तो पढ़ाने, मैं तो घर वापस जा रही हूँ, स्कूल हम क्या करने जाते, हम सोचते हैं स्पोर्ट्स खेल लेते, तो स्पोर्ट्स टीचर भी तो चले जाते हैं, मुझे मन नहीं है आज कराने को। ऐसे कंप्यूटर टीचर्स चले जाते हैं, तो विच मीन्स कि अगर हमारे पास रूल्स नहीं थे, रूटीन्स नहीं होते, तो सोचो क्या होता। इमेजिन एंड लेट मी नो। रुजदा, रुजदा अनम्यूट बेटा। मैम मेरे ना भी लेट क्लास ज्वाइन हुई थी, तो आपने क्या कराया था? मैंने आपसे पूछा अभी क्वेश्चन कि अगर आपके लाइफ में रूटीन्स या रूल्स अगर हमारे लाइफ में नहीं होते तो हमारी सोसाइटी कैसे होती? मैम डिसिप्लिन नहीं होता। राइट, डिसिप्लिन नहीं होता। और क्या होता सोचो, डिसिप्लिन नहीं होता और क्या मिसिंग होता? कुमकुम मैम सब सिग्नल तोड़ देते। राइट, तो कहीं ना कहीं कहना है कि लाइफ का थ्रेट भी रहता, क्योंकि हर कोई इधर उधर भाग रहा है और पता ही नहीं कहाँ भाग रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। राइट, सो यस इट कुड बी अ थ्रेट फॉर लाइफ आल्सो, क्योंकि ये भी नहीं पता होता ना फिर कि हमें रेड लाइट पे मूव करना है या ग्रीन लाइट पे, क्योंकि रूल्स भी नहीं होते कोई, तो कभी भी कोई भी चल पड़ रहा है, सो डेफिनेटली अ थ्रेट टू द लाइफ। आराध्या, हर टाइम हर कोई लड़ता ही रहता। अब ये सोचो कि ये रूल्स हमारे लिए और रूटीन्स हमारे लिए क्या करते हैं? मैम हमें बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें गलत, हम गलत नहीं हो पाते, रूल्स अगर होते तो हम गलत नहीं होते। रूल्स एंड रूटीन्स हमें गाइड करते हैं, हमें क्लैरिटी देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वेदांशी, मैम लाइक एनिमल्स, मैम क्योंकि एनिमल्स की लाइफ में कोई रूल वगैरह नहीं होता, उनको कुछ पता नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, तो मैम हम भी उन्हीं की तरह होते। Right. So do we all agree with one thing कि हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है? Right? So what do we mean by this word discipline? Can anyone tell that? What do we mean by discipline? Harsh? Discipline का क्या मतलब होता है? यही डिसिप्लिन होता है, तो अगर हम इसे फॉलो कर रहे हैं वी आर इन डिसिप्लिन। बट हमें बड़ा बैड लगता है ना जब हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, कोई कहता है यहाँ बात मत करो, ये करो, यहाँ मत जाओ, हमें बड़ा बैड लगता है। बट हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे देन वी विल नॉट नो हाउ टू कंडक्ट आवर सेल्फ मे बी, हाउ टू लिव टुगेदर मे बी, हम कितना कुछ डेफिनेटली मिस करेंगे, है ना? तो नाउ लेट्स जस्ट थिंक फॉर अ वाइल एंड सोचो अपने लाइफ का कोई ऐसा सिचुएशन जब आपने डिसिप्लिन एक्सपीरियंस किया था कि हाँ आप people you know you experienced that you were in discipline and you did something in discipline and tell ki uska outcome kya tha. Yeah, so who would like to share any situation from your life when you have experienced discipline
कि आपको डिसिप्लिन में रह के वो काम करना पड़ा था और उसका रिजल्ट क्या आया था फिर? आर वी, वुड यू लाइक टू शेयर वन? Are we unmute? Yes, ma'am. Yeah, would you like to share a situation? जब आपने discipline observe किया, उसे follow किया और उसका result क्या आया फिर? Yes, ma'am. Please share. Ma'am, मैंने ना discipline में मैं हमेशा खेलती हूँ. Okay, तो आप हमेशा जब discipline में खेलते हो तो उसका result क्या होता है RV? मैं हमेशा जीतती भी हूँ. Wow. So you put in the effort. तो आपको पता है आपको कहाँ effort डालना है? So discipline gives you clarity here, right? Yes, ma'am. So you can win. Okay, nice. Harsh. Ma'am. Hmm. Ma'am, ने Indian homework कल homework दिया था रात का. रात को टाइम होता है मैम मेरा, मैंने मैम नहीं करा था, फिर मैम मेरा रूटीन बिगड़ गया, तो फिर मैम से मुझे बैड पड़ी. ओके, तो अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया तो फिर ऑफ कोर्स उसका बैड रिजल्ट आया कि आपको डांट पड़ा. ओके, राइट, ग्रेट रिफ्लेक्शन हर्ष, नाइस फॉर शेयरिंग इट. ओके, देन वी हैव आद्या. मैम, हम डिसिप्लिन में पढ़ते हैं और मैम उसका रिजल्ट अच्छा आता है, हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं. राइट, सो व्हेन यू आर डिसिप्लिन्ड व्हाइल यू आर स्टडीइंग, ओके, यू गेट द आउटकम एज गुड रिजल्ट. ओके, केशव. मैम, हमें अपना एक वो एक स्टोरी बतानी है जब हमने अपना डिसिप्लिन ऑब्जर्व किया. वन डे आई एम प्लेइंग विद my friends, so my old friend come और उसने फिर मुझसे कहा कि भाई तू इनके साथ क्यों खेल रहा है. मैंने कहा भाई तू भी आ जा खेल ले, और उसने उल्टा सीधा करके हमको भाग गया. अगले दिन जब वो आया तो भाई बाकी सब बड़े गुस्से में उसे पीट रहे, तो बट मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप रहा, क्योंकि पापा ने कहा था कि हमें पीटना नहीं है, किसी को भी समझाना है. तो वो अगले दिन जब हम पार्क में मिले तो उन सब ने कहा भाई यार हमने पीटा, और जब मम्मी पापा को बताया तो उनसे डांट पड़ी हमें, तो उन्होंने पूछा कि तुझे जब तूने ये एक्सपीरियंस बताया अपने मम्मी पापा को तो क्या हुआ उनका रिएक्शन. मैंने कहा भाई देख मैं तो चुप था, तूने उसके मुंह पे बॉटल मारी वो तेरी गलती, इसलिए तेरे को सही डांट पड़ी, मैंने कुछ किया नहीं इसलिए मुझे डांट पड़ी नहीं. सो That's my story. Right. So yes, you were disciplined. So you saw the outcome also that your trust, क्योंकि आपने अपने parents से still share किया, तो उनका trust आप पर और ज़्यादा बढ़ा. So that was an outcome of it. Great, Keshav. Okay. Vedanshi. Yes, ma'am. Ma'am, एक बार मेरे parents को कहीं urgent काम से जाना पड़ा था बाहर. लास्ट मंथ में तो मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों घर पे अकेले रहे थे. तो मैम हमने सारे डिसिप्लिन फॉलो किए थे. मैम जब पेरेंट्स आए तो मम्मा ने पूछा कि कैसे करा, कैसे टाइम स्पेंड किया. तो मैम मैंने बताया मम्मा को, तो शी वाज क्राइंग एंड उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे. ओके, और उनके साथ आपका और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, सो शी ट्रस्ट ही मोर, राइट? यस मैम. राइट, सो नाउ पीपल आफ्टर लिसनिंग टू द पीपल स्टोरी, अब आपको क्या लगता है कि डिसिप्लिन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हमें डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस? हु विल लाइक टू शेयर? ओके, अभी वांट्स टू शेयर, अभी. मैम बताओ, एक दिन ना हम ना गली में खेल रहे थे, है ना? तो गली में खेलते खेलते ना मैम मेरे फ्रेंड के एक और बार बॉल लग गई थी, वो दूसरा फ्रेंड था. तो मैम उसने बताओ मैम वो रोने लगा, क्योंकि वो मैम छोटा सा बच्चा था, है ना मैम. वो रो के मम्मा के पास गया, और फिर जब उसकी मम्मा आई तो उसकी मम्मा ने सारे बच्चों की मम्मा को बता दिया कि इसने इसको मारा, इसने इस
तो फिर मैंने उनकी मम्मी को बोला उस बच्चे की कि आंटी इसमें तो बस इन भैया की गलती थी, इनको ही माफ कर दो, हमें दोष क्यों दे रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम सबने मिलकर कुछ किया होगा इसके साथ, मुझे तो नहीं पता, ये मेरा बच्चा मेरे साथ रोक के आया है। तो मैंने सब तो सच बता दिया कि मेरा फ्रेंड है, इसको आप माफ कर दीजिए, हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये बीच में आया था बच्चा और आते आते खेलने लग गया तो इसके बॉल लग गई, तो गलती हमारी नहीं इसकी है और मेरे फ्रेंड की भी है। मैंने आंटी को बोला ना तो आंटी ने दोनों से सॉरी बुलवा दिया मैम। okay. कि आज के बाद लड़ाई मत करना, और अपने बेटे को भी डांटा कि आज के बाद अगर खेलना है तो पूछ के खेला करो, ऐसे ही तुरंत मत भागे चले जाया करो। ओके नंबर ओके देन वी हैव प्रीतिका वांट्स टू से समथिंग। मैम हमें दो टू आंसर्स बताने हैं। हाँ ठीक है। एक जो अभी आपने बताया कि डिसिप्लिन क्यों जरूरी है, और एक जो आपने पहले पूछा था सिचुएशन। यस मैम सिचुएशन। तो मैम जब सेकंड क्लास में हमारी पहली ऑनलाइन क्लास जब आई थी तो हमने अपनी मैम को ध्यान से सुना था कि क्या क्या करना है, कैसे ज्वाइन करनी है क्लासेस एंड स्कूल ऐप कैसे डाउनलोड करना है, ये सब कुछ। फिर हमें आया भी और अब हम अच्छे से सुनते भी हैं और सुनते भी थे पढ़ाई को भी, और अब हम अपने आप ही क्लास करते हैं, जो करना होता है वो आराम से हम कर लेते हैं जूम में एंड स्कूल ऐप पे, एंड मैम कोई भी क्वेश्चन पूछती है तो हम उसका आंसर देते हैं हमेशा, कोई भी सब्जेक्ट हो। एंड मैम डिसिप्लिन क्यों जरूरी है ये भी बताना है हमें। बताइए। डिसिप्लिन, अगर हम कोई भी काम डिसिप्लिन से करते हैं तो वो काम का आउटकम अच्छा होता है बहुत। राइट वेरी ट्रू। सो आई आल्सो गॉट द आंसर इन द चैट। वेदांशी रोड की डिसिप्लिन हमें परफेक्ट बनाता है एंड वी कैन आल्सो बी सक्सेसफुल। डेफिनेटली जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो तो आप एफर्ट डालते हो किसी चीज में तो आपको आउटकम तो मिलेगा। सो दैट होल जर्नी इज अ सक्सेस फॉर यू, नॉट द आउटकम ओनली। राइट, क्योंकि आप जीतोगे या नहीं ये तो नहीं पता, बट एटलीस्ट जब आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो तो आप कहीं तो पहुंचोगे। सो दैट जर्नी इज इम्पोर्टेंट। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम इट परफेक्ट इज अ डिल्यूजनल वर्ड, सो आई वोंट यूज अ वर्ड परफेक्ट, बट डिसिप्लिन आई थिंक गिव्स अस द डायरेक्शन इज व्हाट आई कैन से, कि हमें डायरेक्शन देता है, क्लैरिटी देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। राइट, उसके अलावा अगर हम लेजी हो तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, तो वो हमारी लेजीनेस को भी फिनिश करता है, हमें एक्टिव रखता है और हमें हेल्प करता है आगे ग्रो करने में। सो विच इज व्हाई डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब कुछ डिसिप्लिन तो होता है जो हमें बाहर से आता है, जैसे कि मम्मा पापा ने रूल्स बनाए या उन्होंने कोई रूटीन बनाया हमारे लिए, हमारे टीचर्स ने हमारे लिए कोई रूल्स या रूटीन बनाए, या फिर अगर हम सब फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं, हम मिलके कुछ रूल्स बना रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं। अब मुझे सच सच बताओ, आप में से कितने लोगों ने कुकी अभी नहीं खाया? रेज योर हैंड, गिव मी अ थम्स अप अगर नहीं खाया तो। ओके, केशव ने नहीं खाया, प्रीतिका ने नहीं खाया, आराध्या ने नहीं खाया अभी, दोयल, यश, नावेद, ओके, पार्थ, कनिष्का हैज नॉट ईटन, वाओ दैट्स अमेजिंग, क्वाइट मेनी, ऋषेद, आरिका हैज नॉट ईटन, वाओ। सो जब आपने ये नहीं खाया कुकी, आपने इसका आउटकम देखा ना? ओके, आपने इसका आउटकम देखा क्या, कि अगर मैं अभी नहीं खाऊंगी तो आई कैन ईट टू, सो यू वेटेड, है ना, तो आपने अपने पे सेल्फ कंट्रोल किया क्योंकि आपको आउटकम पता था कि आउटकम इज बेटर देन दिस, तब मुझे टू कुकीज मिलेंगे, है ना। तो ये डिसिप्लिन आपने अपने आप पर, ये कंट्रोल आपने अपने आप पर खुद लगाया, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ डिसिप्लिन। तो वो रूल्स, वो रूटीन्स जो हम अपने आप पर लगाते हैं क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अब सोचो सेल्फ डिसिप्लिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन होना? बाहर से तो डिसिप्लिन आता है, डेफिनेटली आता है,
बट सेल्फ भी तो जरूरी है ना, हमें भी तो डिसिप्लिन में रहना आना चाहिए, हमें भी तो अपने लिए डिसिप्लिन पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए? यश? यस मैम. व्हाई शुड वी बी सेल्फ डिसिप्लिन? यस मैम. मैम हमको, मैम हमने ये, मैम हमको बाहर से तो डिसिप्लिन मिलता ही है, हम जो घर पे डिसिप्लिन सीखते हैं वो भी डिसिप्लिन ही होता है, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं, क्योंकि एक सेकेंड, ये सेल्फ सेल्फ आप अपने ऊपर जो डिसिप्लिन लगा रहे हो, आपने कुकी खाया? नो मैम. आपका पड़ा है कुकी? यस. पर आपका मन करा था खाने का? नो मैम. बिल्कुल मन नहीं किया था देख के? नो मैम. भाई आपका फेवरेट कुकी नहीं था? मैम फेवरेट तो था, लेकिन हमने कंट्रोल किया और हाँ, हमने राइट. तो ये कंट्रोल क्यों किया मैम? क्योंकि हमने सोचा कि अगर हम अब क्लास के टाइम पे कुकी नहीं खाएंगे, क्योंकि क्लास के टाइम पे कुकी खाना गंदी बात होती है, अगर हमको क्लास के टाइम में कुछ भी नहीं करना चाहिए. पर मैंने तो कहा था आपके पास चॉइस है, अभी खाओ या एंड में खाओ. मैम हमने चॉइस में से हम लास्ट वाली चॉइस चुनी. तो वो चॉइस क्यों चुनी मैम? क्योंकि हमने अपने आप पर कंट्रोल किया. राइट. तो आपने अपने कंट्रोल किया और आपने देखा कि मैं बाद में अगर एंजॉय करूंगा दैट विल बी ग्रेट. राइट. तो मैम ये हमारे डिसिप्लिन में भी आता है. हाँ तो ये होता है बेटा सेल्फ डिसिप्लिन. ये मम्मा ने या मैम ने तो नहीं कहा था ना आपको, आपके पास चॉइस थी तो yes. आपने चॉइस डिले करी अपने आप कि मैं बाद में खाऊंगा, एंड यू हैड योर ओन रीजन राइट कि क्लास में नहीं अच्छा लगेगा मुझे, बाद में खाना चाहिए, है ना? राइट. सो पीपल सेल्फ डिसिप्लिन एज वेदांशी वाज राइटिंग गिव्स अस डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम अदर्स. यस इट मेक्स यू डिफरेंट फॉर श्योर, क्योंकि हम सेल्फ अब सब अपने पे अलग अलग तरीके से ही डिसिप्लिन लगाते हैं अनडाउटेडली, बट हम सब अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ. हम अपने आप पर और ज्यादा वर्क कर सकते हैं और ज्यादा बेटर बन सकते हैं. ओके और सोचो और क्या रीजन होगा. जब आपने कुकी नहीं खाया तो क्या चीज थी जो आपको हेल्प कर रही थी स्टॉप करने में, बिकॉज दैट्स द रीजन व्हाई यू नीड सेल्फ डिसिप्लिन. नावेद? मैम हमें ना लाट में 2 कुकीज कुकी मिलेगी, हम इसलिए हमने नहीं खाया. राइट. सो यानी कि हमें बेटर रिजल्ट मिल सकता है, हम इसलिए भी सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं कि अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन में रहूंगी और मुझे पता है कि मैंने इस टास्क को अगर मैंने डिसिप्लिन रहकर अच्छे से किया तो इसका आउटकम अच्छा ये होगा दैट आई विल बी हैप्पी दैट आई गिव माय 100%. Yes or no? So, जो हमने last time think किया था, give your 100%, तो discipline मुझे giving my 100% में भी help करेगा कि मैं अपना हर काम में 100% दे सकूं, right? तो which is why you again need self discipline. Okay? Keshav, you want to add something? Yes, ma'am. ma'am, हम self discipline में तो ये पहले करना चाहिए कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी चाहिए, मतलब ऑफ टॉपिक बात नहीं करनी चाहिए. जिस टॉपिक पे बात चल रही है, ये काम की बात है, हमें वो ही करनी चाहिए. और हमें गुस्से से नहीं बोलना चाहिए, रूडली नहीं बोलना चाहिए. सो इट टीचेस अस द वे ऑफ लाइफ. यस. ओके. और मान लो कि हम दुखी हैं तो हमें अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें भी हमें अपने मुंह पे हैप्पीनेस दिखानी चाहिए, क्योंकि उसे भी लगे कि आप उसकी बात पे इंटरेस्ट कर रहे हो. Okay. नहीं अगर आप उदास हो तो कभी कभी हम नहीं दिखा पाते तो भी ठीक है, मतलब हम अपने साथ तो रूड नहीं हो सकते ना, तो हम सामने वाले को बोल सकते हैं कैन बी टॉक लिटिल लेटर, आई एम बी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ. ओके सो वी कैन डू दैट आल्सो. ओके वेदांशी सेज वी कैन बी मेंटली स्ट्रांग. डेफिनेटली यस, यू बिकम स्ट्रांग एज अ पर्सन एंड यू बिकम मेंटली स्ट्रांग एज वेल इन टेकिंग डिसीजंस. प्रीतिका? Yes, ma'am.
मैम सेल्फ डिसिप्लिन हमें सक्सेसफुल बनाता है एंड हम शार्प माइंडेड भी होते हैं। डेफिनेटली हमारा माइंड भी शार्प होता है और हम सक्सेसफुल भी बनते हैं। सो ट्रू बिकॉज इट गिव्स अस द फोकस, हमें फोकस मिल जाता है कि हमें क्या करना है। ओके कुमकुम मैम जैसे कोई आपस में बात कर रहा है तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो इससे हमने क्या सीखा सेल्फ डिसिप्लिन से कि हम सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हैं राइट। यस सो वी लर्न टू रिस्पेक्ट अदर्स एज वेल। ग्रेट Lunasha, would you like to speak something? You haven't spoken today at all. मैम हमें जैसे अगर कोई बड़ी बात कर रहे हैं तो हमें उनके बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी कोई इम्पोर्टेंट बात भी हो सकती है। Definitely yes. So we are respecting and giving space to the others, and we are also creating the space for ourselves. क्योंकि जब हम self discipline में भी होते हैं ना तब हमें पता है कि हमें क्या करना है। So then we don't waste our time in doing things which are not valuable to us. Okay? तो हम अपना time को भी अच्छे से manage करते हैं। So self-discipline also teaches us time management. Right? With this, we wind up with today's session. I'll just tell you the homework. You have to do page 6 and 7 of your book. I'll just type it in the chat. Do page 6 and 7 of your book, and definitely you develop good relations with discipline because people develop trust in you when they see you disciplined. Kyunki fir aap committed rehte ho. So the more you are committed, the more you trust yourself and others also trust you. So with this thought, we wind up with today's session. See you all and have a wonderful day. Enjoy. Bye.